साथी के मित्र में शिमा प्राण कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारे पितरों के प्राप्त कर रहे हैं। देखिए आप सभी भक्त लाखों की संख्या में कथा मांडव पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और कथा के पांडाल में बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है, श्री आदरणीय विनायक जी महोदय जी द्वारा भोजन व्यवस्था भी सुंदर रूप से चल रही है। देखिए कुछ गुरुदेव का आगमन हो चुका है, हम सभी सुंदर गुरु वंदना श्रवण करेंगे। तस्मै श्री गुरुवे गुरुवर कृपा करितो झोली मेरी करितो, गुरुवर कृपा करितो झोली मेरी करितो, तेरी दया का सदा कब करेंगे तेरा करेंगे, गुरुवर कृपा करितो झोली मेरी करितो, गुरुवर कृपा करितो आभार मानतो। खरं तर
पंडितजींनी सांगितलं की हा जो काळ आहे पितृपक्षाचा काळ, या पितृपक्षाच्या काळामध्ये इतर वयस कथा ऐकलं आणि ह्या वयस कथा ऐकलं. ह्या कथेमध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. डबल पुण्य पितृपक्षाच्या काळाचा कथा ऐकू नका, त्याच्यामध्ये लागतो. पितृपक्षामध्ये पंडितजींनी जे काही उपाय सांगितले असतील त्याचं डबल फळ आपल्याला मिळतं. आणि मला भाग्यवान समजतो की त्या नांदगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या सर्व जनतेने माझ्या भाऊबहिणी मला निवडून दिलं आणि त्या निवडून दिल्यामुळे आणि मी आमदार झाल्यामुळे ही सेवा करण्याचा भाग्य मला भोले शंकरने दिलं. त्याबद्दल मी भोले शंकरांचे नतमस्तक होऊन आभार मानतो. पंडितजी प्रदीप मिश्राजी 2027 तारीख तक आप बुक थे, लेकिन मेरे बिजली पर आए बहुत सुख कर गए. अभी आप विनंती करते हो कि जब शक्य हुई जब शिवसेना पक्ष के कांदे गुरु मिलाने फरामला करने जब प्रयत्न कर आपने सब सुख सुख उपलब्ध कराएगा. और मैं आप सभी भावनाओं में मेरे भाई बहनों को अन्य नंदनबान सब मंडल संगत में सर्व बाधाई भावना विनंती करते हो कि आपका विनम्रपणे विनंती करतो. मोफत शब्द वापरणे चुकीचं आहे. आपल्या आशीर्वादाने मला मिळालेला आहे, परंतु शिवसेना पक्षाच्या वतीने आणि कांदे कुटुंब यांच्या वतीने आपल्याला मोफत जेवण ठेवलेलं आहे. आपण सर्वांनी जेवण करून द्यावा आणि महाप्रसाद ठेवलेला आहे, महाप्रसाद घेऊन द्यावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो. आणि आपल्याला काही त्रास झाला असेल नांदगावकरांना किंवा तसली झाली असेल तर त्याबद्दल मी आपल्या नतमस्तकून माफी मागतो. जय बोले प्रभुवा न पडे वचन
जरूरी नहीं कि किसी तीर्थ में बैठोगे तो भगवान मिलेगा, जरूरी नहीं कि कहीं नदी के तट पर जाकर बैठोगे तो भोलेनाथ मिलेगा, जरूरी नहीं कि घर छोड़कर बाबा बन जाओगे, साधु बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, तपस्वी बन जाओगे, साधु बन जाओगे तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा करती है हमें बाबा नहीं बनना है, शिव महापुराण की करती है कथा करती है हमें बाबा नहीं बनना, शिव महापुराण की कथा करती है हमें बाबा का बनना, हमें भोलेनाथ का। जब आप गोवर्धन कृपालदर्शी कैलाशी अविनाशी
भगवान शंकर को भजेंगे। पहले कथा पर सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी महाराज, भगवान सुखदेव जी महाराज की कथा का आप लोगों ने स्मरण करा। जब हम भगवान शंकर की कथा का पवित्र स्मरण कर रहे थे तो उसमें प्रसंग में तीन बातें राजा जनक जी ने, श्री सुखदेव जी महाराज से उसमें एक बात राजा जनक जी ने सुखदेव जी से कही कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम। साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, पर अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बंधु, अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त और अपने अपनों के साथ में घर में रहना बड़ा कठिन है। साधु बन गए, घर छोड़ दिया, अकेले तो कहीं पे भी रह लो, अकेले तो तुम होटल में पड़े रहो, तुम्हारा मन लग जाएगा, पर घर में तो रहो। घर में इधर से माता जी कुछ कहे, उधर से पिता जी कुछ कहे, उधर से पत्नी कुछ कहे, उधर से पति कुछ कहे, उधर से भाई कुछ कहे, उधर से बहू कुछ कहे, उधर से रिश्तेदार कुछ कहे, तब घर में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना सबसे कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है गृहस्थ आश्रम में रहना। और जितने सन्यासी थे, जितने तपस्वी थे, जितने साधक थे, उन्हें भगवान बहुत बाद में मिला। जो गृहस्थी थे उनको भगवान जल्दी मिला। मीराबाई गृहस्थी थी, पति परिवार के साथ रहती थी, गिरधर को भगवान मिल गए। कर्माबाई भगवान मिल गए, नामदेव जी भगवान मिल गए, संत तुकाराम जी भगवान मिल गए, मुक्ताबाई भगवान मिल गए, बड़ी सरलता से रामकृष्ण परमहंस भगवान मिल गए। भगवान को एक क्षण भी उपहार रहे हो तो भगवान आपको गृहस्थ आश्रम में अगर आपने परमात्मा को पुकारा, एक क्षण भी पुकारा तो परमात्मा भगवान आपको देगा। राजा जनक जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि गृहस्थ आश्रम में शादी करें। सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं और शादी शादी कैसे? नहीं, शादी तो करना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम में करना पड़ेगा, तो मैं किससे शादी करूं? सुखदेव जी महाराज ने पूछा राजा जनक जी से, आप मेरे गुरु हो, आप आज्ञा करिए कि मैं विवाह किससे करूं? इतने में राजा जनक जी ने कह दिया जन्म मरण और पर जन्म, डॉक्टर बोल भी देना कि इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख तक जाता हो जाएगा, पर जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता, जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जन्म मरण, किसी ने हाथ देखकर कह दिया, पत्रिका देखकर कह दिया, खूब लंबी उम्र है, खूब जियोगे, 80 साल, 90 साल, 100 साल, खूब लंबी उम्र है, मालूम पड़े अटैक आया, निकट गया, बैंक का खाता बंद। अब तो किसी ने, महाराज जी तुमने तो पत्रिका देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, तुमने हाथ देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, और ये तो अटैक आया और चले गए। और किसी किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी अंतिम सांस चल रही है, इसको घर ले जाओ, उसको घर ले जाओ, चार बार गोबर से लीप के नीचे सुला दिया तो भी प्राण नहीं छोड़ गए, जैसी की जैसी थी, जैसा की जैसा मरा गया। जन्म मरण
और तीसरे नंबर पर है परण, परण मतलब शादी विवाह। किसके साथ होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये उसमें निश्चित करता है। मेरी जीजियाँ बैठी हैं यहाँ पर, मेरे जीजा बैठे हैं यहाँ पर, मेरी बेटियाँ बैठी हैं, मेरे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं। मेरी जीजियों से पूछूं कि आपके घर के लोगों ने आपके लिए कितने लड़के देखे, कितने ढेर सारे लड़के आप लोगों के लिए देखे, पर आपकी किस्मत में जो लिखा था वो नहीं लिखा। और यहाँ मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, उनसे कहूँगा आपके लिए कितनी लड़की देखी, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखी थी वही तुम लड़का। जन्म मरण और भरण ये तीन शिप आपके सोचे से कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज जाइए, आपकी भक्ति का बल जब बढ़ेगा, आपके विश्वास का बल बढ़ेगा, आपकी श्रद्धा का बल बढ़ेगा, जब आप भगवान की अभिनय भक्ति में डूबने लगोगे, तब भगवान ने तुम्हारे ललाट में जो स्त्री लिखी होगी वो तुम्हें मिलेगी। चले सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा पितृपक्ष के अंतर्गत है, आप स्मरण करें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो लोग यूट्यूब सुन रहे हैं, चावल हाथ में लेकर सुन रहे हैं, जो लोग पितरों का चित्र फोटो लेकर सुन रहे हैं, फिर आओ शिव महापुराण में पितरों की बेटियों की कथा विदेश से। एक पितर की तीन बेटियां, मैना कन्या कला। मीना जी की गोद में पार्वती थी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता थी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा थी। ये पितरों की राधा जी के नाना जी का नाम पितृदेव, सीता जी के नाना जी का नाम अगर देखा जाए तो पितृदेव का बन जाएगा, पार्वती जी के नाना जी का नाम आएगा तो पितरों का वर्णन आएगा। तो इन पितरों की तीन बेटियां मैना धन्या और कला। पितरों की तीन बेटियां और ये तीनों बेटियां आनंद के साथ बैठी थी और तीनों बेटियां भ्रमण करते करते कहीं पितृलोक में घूम रही थी। पितृलोक में जाते जाते बीच में सनमादि ऋषियों पर इनके वस्त्र का एक अंश, इनके वस्त्र का एक भाग सनमादि ऋषियों की जंघा पर पड़ गया। जंघा पर पड़ा तो उनके छोटे छोटे चरण थे जिसमें उनको घाव लग गया। घाव लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम तीनों को पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। तीनों हाथ जोड़ कर विनय करने लगे, हम पृथ्वी लोक पर चले तो जाएंगे पर हमारा कल्याण कैसे होगा। तो तीनों से सनमादि ऋषियों ने कह दिया, तुम तीनों की गोद में तीन देवियां खेलेंगी, मैना तुम्हारी गोद में पार्वती जी खेलेंगी, धन्या तो सुनैना बनेगी तेरी गोद में सीता जी खेलेंगी, कला तो कीर्ति बनेगी तेरी गोद में राधा जी खेलेंगी। ये तीन देवियां संसार का कल्याण करने वाली होंगी तो तुम्हारा भी कल्याण अपने आप होगा तुम्हारा। अब ये कथा तो अपन सुनते हुए आए कि पितरों की तीन बेटियों का। अब कथा आती है एक बबराज नामक, एक बबराज नामक सुंदर लोक है पितरों। बबराज नामक एक सुंदर पितृ लोक है, बड़ा सुंदर पितृ लोक है, जहां पर पितरों के स्वामी आर्यमा अपने एक मित्र अपने भाई के साथ में विराजमान। बबराज नामक लोक में बहिपक्ष नामक एक पितृदेव रहते हैं, पितृदेव
पितरों के लिए चावल की खीर का निर्माण किया जाता है, पितरों के लिए माश की दाल मतलब उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है, पितरों के लिए तुरई गिलकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि साथ आपने माश की दाल का उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बनाना था या आपको मकोड़ा बनाना था या आपको इमरती बनाना थी और खीर पितरों के लिए जरूर बनाना थी। तो ये कहाँ क्यों इसलिए शिव महापुराण की कथा करे बभ्राज नामक सुंदर लोक में पितरों के लोक में वही पक्ष नाम के पितृ विराजमान है। ये वही पक्ष पहले पितृ ही थे और ये भगवान शंकर की भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे, इतने तल्लीन रहते थे कि भगवान शंकर इन पर प्रसन्न हो गए। इन्होंने अपने जीवन काल में हर महीने जो शिवरात्रि आती है ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी जिस शिवरात्रि पर शंकर का अनुष्ठान ना किया अर्थात शिव का अभिषेक ना किया, शंकर भगवान की भक्ति ना। और कितने किस्मत वाले होते नांदगांव वालों, है महाराष्ट्र वालों, नांदगांव वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप जिस कथा को श्रवण कर रहे हो पितृपक्ष में किसी पितृपक्ष के अंतर्गत 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि इस पितृपक्ष की पड़ेगी और आप और हम सब कथा तिरस्कृत होंगे। इतने किस्मत भाग्यशाली आपके भाग्य की सराहना है।
गुरुदेव मुझे एक बेटा और दो बेटियां हैं। मेरे पति बस कंडक्टर है, सब कुछ है भी और नहीं। गुरुदेव जिम्मेदारियां बहुत थी, कुछ गलत संगत के कारण मैं उस पति पड़ गया, पर बाबा पर भरोसा कर फिर काम का चालू करा और अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर लिया पर 3 साल निकल गए पर उसका कहीं जॉब नहीं। मेरा बेटा कहता है माँ कहीं प्राइवेट में भी अगर जॉब लग जाए तो मैं कम से कम तुम्हारे को हेल्प तो करूँ, और प्राइवेट में भी जॉब मिलता नहीं। मेहनत करी, प्राइवेट में जॉब किया, फिर आखिरी में बेटे ने कहा माँ आप कथा सुनती हो, कथा में वो सीवर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता। तब मैंने अपनी पड़ोसन से पूछकर भगवान शंकर के पशुपति व्रत और शिव जी के एक लोटा जल का वर्णन अपने बेटे को कहा और बेटे ने भी पशुपति व्रत और एक लोटे जल का महत्व को जाना और बाबा देव अपने महादेव की कृपा का मैं क्या वर्णन करूँ। गुरुदेव आज मेरे बाबा ने मेरे बेटे को 8 फरवरी 2024 को PWD गवर्नमेंट इंजीनियर में सिलेक्शन देते हुए साथ में उसकी नौकरी का अप्लाई आया। मैं बाबा को धन्यवाद। एक शंकर भगवान की अविरल भक्ति हमारे जीवन में समान is
जरूर करो। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी बच्चे को एजुकेशन चाहिए,
उस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, आप उसके पास में पैसा नहीं, आप उसको एजुकेशन दे दीजिए। मैं आपको सलाह दिया, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की एक एक बेटी को निःशुल्क आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए साथ उठा रहे हो, आपको उसके लिए साथ उठा। एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन दीजिए। हमने फिर कहा आप एक रुपए का दान किसी को नहीं दे सकते, मत दो। अपने नजदीक में कोई दे रहा है, उसको बीमार है, तकलीफ में, और आपके दरवाजे पर अगर कोई आकर अलग जगा रहा है कि भैया मेरे यहाँ तकलीफ है और आपको ये बीमारी मालूम पड़े, आपका सहयोग मिल जाए, उससे बढ़कर वो क्या चाहिए, इससे बढ़कर दुनिया का कुछ सुखिए। आप एक रुपये किसी को मत दो, नहीं देते मत दो, पर कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, कोई प्यासा है उसको पानी पिला दो। बस कल जाऊंगी और कल से पहले
भजन के साथ, कीर्तन के साथ अपने आनंद में खुशियों के साथ जियो। रोता नहीं, स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कर लेता है जब फोटो खिंचवाने जाता, फोटो वाला भी कहेगा एआई स्माइल। ए भाऊ स्माइल। फिर निवेदन है, इतने सारे लोग फोटो लेने के आने में पूर्वजों का फोटो को देख कर जरा विचार करो, इनका एक ही फोटो है। आपसे निवेदन है जिंदा रहना, तब तक के रोज फोटो दीवान पे ही रखा। और जितना सेल्फी में स्माइल देखते हो ना, उतना सेल्फ जीवन में स्माइल देते, उतना अपने जीवन में खुश। जितने पसंद है, खर्चा हो गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ आ गई ना कोई बात नहीं, दुख आ गया ना कोई बात नहीं, तो भी पसंद तो भी खुश। अपने क्षेत्र का आनंद में भाव प्रसन्नता में प्रसन्न। शिव पुराण कर भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर वही पक्ष सुंदर पितृलोक प्राप्त कर लेते हैं। भद्राज नामक लोक में वही पक्ष रहते हैं, उन्होंने नियम बना लिया हमारे पितृलोक में प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि पर उत्सव मनाया जाएगा, शंकर का पूजन अभिषेक किया जाएगा एक दिन वही पक्ष पितरों की आराधना करेंगे। वही पक्ष पितृ पक्ष में शिव की आराधना में भी कोई तुमसे पूछे हम पितरों की पूजन करते हैं तो पितर किसकी पूजन करते हैं? कोई तुमसे पूछे कि हम पितरों की पूजन करते हैं तो पितर किसकी पूजन करते हैं? उस समय पर आपका जवाब होना चाहिए कि पितृलोक में रहने वाले वही पक्ष, पितृलोक में रहने वाले वही पक्ष पितृ शंकर भगवान की आराधना में लीन रहे, शिव की आराधना में शंकर वही पक्ष शिव की आराधना वही पक्ष बैठे थे। मासिक शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का दिन था, उनके मन में आया मेरे घर में कोई ऐसी बेटी का जन्म हो, ऐसी कन्या का जन्म हो, ऐसी बेटी का जन्म हो जो संसार सागर में अपने आनंद के साथ जिए और जीवों का कल्याण। वही पक्ष के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम पीवरी, पीवरी ईवरी बड़ी हुई। शिवरात्रि के समय पर उसको नहीं मानता कि पितृ पक्ष में सोलह दिन जो पितरों के होते हैं, पितृ पक्ष के अंदर सोलह दिन के अंदर जो शिवरात्रि आती है, आश्विन महीने के अंतर्गत पितृ पक्ष में जो शिवरात्रि आती है, इसके स्मरण में नहीं था बच्चे भी इसके स्मरण में मैं विवाह करूं उससे,
मैं विवाह उससे करूं जो संसार सागर के कल्याण की बात करे। संपूर्ण विश्व के कल्याण मैं विवाह पीवरी के मन में आ गया। इसलिए आज भी जिस बेटा बेटी का विवाह 35 साल 40 साल 30 साल हो गया शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा उससे निवेदन है पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन एक एक बूंद घी गौ माता का व्रत, गाय के दूध से बना हुआ गौ माता का गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर जिस लेता व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी के नाम से आगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता ही है। अगला पितृपक्ष आएगा उससे पहले उसका विवाह होगा ही। निवेदन रहेगा सभी जिनके घर में अगर 35 साल 40 साल 30 साल 25 साल हो गए 15 साल हो गए 20 साल हो गए शादी के बाद में अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है संतान का सुख उनसे निवेदन प्रयास करो श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन व्रत गाय के दूध से बना हुआ घी गाय नकली नहीं, नकली ने तो धमाल मचा रखा है तिरुपति नकली कल हमने कथा में कहा था गुरु के स्मरण में कल कथा में कहा था जरूरी नहीं कि 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए जरूरी नहीं कि ढेर सारी सामग्री भगवान को चढ़ाई जाए। शंकर भगवान की कथा करती है अगर एक बूंद एक चम्मच भी अगर आप दूध दे रहे हो 80 दीजिए तो माता का दीजिए, एक घी का द्रव लगा रहे हो तो गाय के द्रव से बना होगा।
जो बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, जो बेटा कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, उससे निवेदन है पढ़ने वाले बेटे से कि अपनी मेहनत को चार गुना बढ़ा, अपनी मेहनत को चार गुना बढ़ा, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। और जब इस पितृपक्ष की शिवरात्रि आ रही है तो पितृपक्ष की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र पर हमेशा आप लोगों को कहा कि आप कभी भी परीक्षा देने जाना तो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहर लगाना। पर अगर पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की शिवरात्रि है तो मध्य पत्ती पर थोड़ा सा गौ माता का घृत गाय का घी उस बीच वाली पत्ती पर लगाकर बाबा देवदत्त महादेव को इस डंडी का मुख उत्तर की ओर, डंडी का मुख कहाँ पर हो जानते हो जरा, उत्तर की ओर, उत्तर जानते मतलब जहाँ शंकर जी का पानी बहकर जाता है उत्तर की ओर डंडी का मुख। अगर डंडी का मुख उत्तर की ओर रखा है और व्रत लगा हुआ आपने ये पितृपक्ष की शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया है तो ये निश्चित है अगली शिवरात्रि जब आएगी पितृपक्ष की तो आप अब तक उससे पहले व्यासपीठ पर जरूर पितृपक्ष की शिवरात्रि में एक भगवान शंकर और पितरों का आनंदमय भाव प्रकट होता है। शिव तत्व करता है भगवान शंकर का पावन चरित्र करता है।
भगवान शिव का पुत्र Oh,
शंकर का पावन चरित्र वर्णन है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से हमारे देश में इस क्षेत्र की डॉक्टर भारती पवार जी आई हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आप एक बार जोरदार तरीके स्वागत करेंगे। शिव तत्व के प्राप्त सुखदेव बाबा जो भगवान शंकर का स्वरूप भगवान शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप महानंद का एक अंश हनुमान नगर मनमाड़ की मैं रहने वाली हूँ।
कहीं बैठी है, कहीं बैठी हूँ कहा दिला सकता, कहीं बैठी हूँ कहा दिला सकता, आती हूँ हाथ दिला सकता। श्री शिवाय बच्चे आए हैं बस आपके हैं, लिया दोनों को लिया लिया। दुर्गा में मंगल कैलाश सानक, मेरे पति का नाम, पति का मोबाइल नंबर ये है। हम लोग हनुमान नगर मनमाड़ के रहने वाले हैं। मेरी शादी को 29 साल हो गए थे। कितने साल हुए जन्म के, जन्म के बोला था 29। मेरी शादी को 29 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। पत्र पर दो आस्था चैनल पर पढ़ सकते, 29 साल शादी को हो गए लेकिन संतान का सुख नहीं था। सभी जगह मैंने इलाज करवाया लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर मेरी सासू माँ ने सफेद आंकड़े की प्रयोग के बारे में बताया और मैंने और मेरी सासू जी ने साथ में ही पशुपति व्रत शुरू किया। मेरी सासू माँ महाराष्ट्र के सभी शिव कथा में, मेरी सासू माँ महाराष्ट्र में जितनी शिव पुराण हुई कोई शिव पुराण मेरी सासू माँ ने नहीं छोड़ी। प्रत्येक शिव पुराण में मेरी सासू माँ जाती सुनने पंडाल में और वहां से पंडाल की मिट्टी को, व्यासपीठ के सामने की मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर ले आती, मिट्टी को लाकर देती और मुझसे कहती कि इस मिट्टी को तेरे गर्भ से तेरे पेट पर लगा। मैं लगाती, बाबा की मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं जो हमने ना करवाई हो। जब सब दूर से हार गए, दुनिया के लोग 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल संतान के लिए इंतजार करते हैं, गुरुदेव मैं 29 साल तक इंतजार करी अपनी औलाद के लिए, 29 साल तक मुझे औलाद नहीं हुई। तब मैंने पंडाल में मेरी सास जाती, वहाँ की मिट्टी लाती, मैं पेट पर लगाती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 14 फरवरी 2023 को बाबा की कृपा से, आप कहते हो ना देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है चप्पल, बाबा ने मुझे जुड़वा 2 बच्चे दिए। बाबा मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज 29 साल बाद मेरी गोद में किलकारियां खेल रही हैं, दोनों बच्चों के फोटो भी लगा रहे हैं। देते हैं पल्ला झाड़ कर महादेव देता है छप्पा। Thank you.
फिर निवेदन करेंगे। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी कि हमारी सास महाराष्ट्र की प्रत्येक कथा में जाती थी और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाकर आती थी। अर्थात मिट्टी का महत्व नहीं है, महत्व है आपकी शिव महापुराण की कथा को सुनने का। उस कथा का लाभ लेने का। और क्यों कई लोग कहते हैं गुरु जी आप कथा वाचते हो वहां पर दुनिया के लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं तो वहां शंकर भगवान के मिट्टी में क्या ऐसा। हम शिव महापुराण की मिट्टी की बात नहीं कर रहे, हम शिव महापुराण की बात कर रहे हैं। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हैं एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अच्छे व्यक्ति को किसी की बात अच्छी लगती है। आपके अंदर अगर बुराई भरी होगी ना तो आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, हमेशा बुरी ही लगेगी। पर आप लाखों की संख्या में इतने बड़े बड़े डूम लगाए गए हैं, पीछे वाले तो इतना बड़ा डूम है, इतना बड़ा डूम है कि पीछे वाले तो हमको उनका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा कि चेहरे की जगह केवल उजाला उजाला दिख रहा है। और तीनों डूमों की भी स्थिति पीछे, आप जरा विचार करिएगा, आप अच्छे हो ना, आपके अंदर शिव समाया है ना, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो और आपको कथा अच्छी लग रही है। अच्छा है अपने हम तो एक बात हमें सब करते हैं, ये शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है वो भूमि साधारण नहीं होती, हम तो उसको कैलाश पर्वत मानते हैं जहाँ तथा परस्तत्व श्रवण करने का, जहाँ तथा परस्तत्व श्रवण करने का स्वभाव। बोल ममता नारायण, हमारी आवाज बुद्धि नहीं हो गई, बात क्या उपास उपास चल रहे थे तो फिर जरा दम के बोलो ना, बोल ममता नारायण, सारी समस्या का हल। अब निकली आवाज अंदर, हरा हरा जरा जन से बोलो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए, अच्छे से बोलो हरा। दंडवत करती 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 यहाँ पर दंडवत
कामना थी किसी पंडाल में बिना करा था मनवाड़ की है और बाबा से विनती करते शिव तत्व रुक्मणी जी की भक्ति के बल पर रुक्मणी जी के भक्ति की प्रबलता में रुक्मणी जी की भक्ति की प्रबलता में जब द्वारकाधीश विधर्व आ सकते श्री महापुराण की कथा करती है आपकी भक्ति के बल पर आपके विश्वास के बल पर आपके भरोसे के बल पर मेरा देव विदुर महादेव भी आपके पास आ सकते विश्वास समुद्र कहता है मेरे पास रतन बड़ा बड़ा है माणिक
समुद्र मान लीजिए जैसा चाहिए, नदी बार 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 कर रही है, समुद्र बार बार मना कर रहा है। तब नदी का अहंकार देखा, नदी का अहम देखा, तब समुद्र ने कह दिया, नदी अगर तू देना चाहती है तो एक काम कर, हरि हरि तू का हरि हरि दुर्ग हरि हरि घास हरि दुर्गा हरि घास लाके देते थे। समुद्र ने जैसे कहा तो नदी मुस्कुरा, नदी को हंसती है, अरे समुद्र मान भी रहा है तो क्या मान रहा है, हरि दुर्गा हरि घास नदी बोल रही है समुद्र कुछ और मांग ले, मुझे चाहिए समुद्र पतन नहीं है, मुझे तो अभी दुर्बा चाहिए, अभी घास चाहिए, केवल दूर ला कर देते, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा मैं लेकर आती, नदी ने अपनी लहर देखी दुर्बा को उखाड़ने के लिए, छोटी छोटी दुर्बा नदी होती है, नदी अपना पानी का पेट फेंकती है, अपना अहम फेंकती है, पर वो दुर्बा टूट गई, नदी ने फिर पानी का पेट फेंका, दुर्बा टूटी, घास टूटी, आखिरी में नदी हार गई और नदी हार कर समुद्र के पास पहुंची और समुद्र से कहा, समुद्र मैं दुर्बा नहीं ला सकी, मैं हरी हरी घास नहीं ला सकी, मुझे क्षमा कर दे। समुद्र ने कहा, नदी मैं जानता था कि तू दुर्बा नहीं ला सकती, क्यों नहीं ला सकती, उसका कारण है, नदी मैं तुझसे कहता कि पत्थर के टुकड़े लिया तू लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता पाषाण लिया तू पाषाण लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता लकड़ी ला लकड़ी लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता कुछ ला तू ला कर दे देती, पर दुर्गा तू इसलिए नहीं ला सकती नदी, क्योंकि दुर्गा पर पानी का वेग पड़ता था तो खड़ी हुई दुर्गा नीचे झुक जाती थी। जो दुनिया में झुकना जानता है किसी के सामर्थ्य का नहीं कि कोई उखाड़ कर दे, दुनिया में जिसने झुकना सीख लिया, झुकना अपने माता पिता के आगे, अपने बड़ों के आगे, अपने बुजुर्गों के आगे, अपने सम्मानियों के आगे, आपने आदर करना प्रारंभ कर दिया, सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, आदर करना प्रारंभ कर दिया, आप सत्कार करना प्रारंभ कर दिए, आप प्रणाम करना प्रारंभ कर दिए, आपने झुकना प्रारंभ कर दिया, तो किसी के सामर्थ्य का नहीं तो कोई आपको उखाड़ कर दे। दुनिया का सबसे बड़ा तत्व है झुकना, प्रणाम करना, नमन करना, आदर देना, सत्कार करना, सम्मान। दुख खाता है, पाप करता है,
बाबा ने तुम्हें सत्ता दी है, बाबा ने तुमको सब कुछ दिया है, तो आप पर हमारा फर्ज है कि हम हमारे पुण्य को और बढ़ाए और बढ़ाएंगे। तो पुण्य अगर थोड़ा चले भी गया तो दूसरा पुण्य हमारे पास में रहना चाहिए। दुखाया पाप करता, सुखाया पुण्य करता, उस पुण्य को और बढ़ा, उस पुण्य को और बढ़ाने का प्रयास। मिस्टर जयश्री संजय निकम, उम्र है 42 साल, गांव मालेगांव, जिला नासिक, ये नांदगांव हमारे क्षेत्र का गुरुदेव। मुझे 21 साल की एक लड़की है और 14 साल का एक लड़का है। 21 साल की एक लड़की है, 14 साल का एक लड़का है। मेरा हंसता खेलता परिवार, मेरा लड़का जिसका नाम ऋषिकेश, हॉस्टल में उसको पढ़ने के लिए भेजा था बाहर। गुरुदेव कोरोना काल में मेरा कहीं बेटी है तीनों बेटी आपकी बेटा अजय 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 कोरोना काल में मेरा बच्चा हॉस्टल से वापस घर आ गया और उसकी ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई। जो पढ़ाई उसकी मोबाइल पर चल रही, मोबाइल पर पढ़ाई करते 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 वो कब किसी साइबर में उलझ गया और साइबर क्राइम में उलझने के कारण बस मेरा 14 साल का बेटा खुदकुशी कर लिया। मेरी एक 21 साल की लड़की है, दूसरा लड़का 14 साल का जिसका नाम ऋषिकेश था, हॉस्टल में पढ़ता था, घर आ गया कोरोना काल में, ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई, मोबाइल पर पढ़ता पढ़ता साइबर क्राइम में फंस गया। साइबर क्राइम में कब फंस गया हमको मालूम नहीं पड़ा गुरुदेव, और मेरे लड़के ने घर में ही खुदकुशी कर ली। मेरा 14 साल का लड़का मर गया गुरुदेव। मोबाइल के जाल में मेरा बेटा ना जाने कैसे फंसा और उसके दोस्तों ने कैसा फंसाया और उसने सुसाइड किया। मेरा हंसता खेलता परिवार नाश हो गया, वंश का दिया चले गया। बहुत रोती थी गुरुदेव मेरी बड़ी लड़की 21 साल की, वो भी रोती, 14 साल का भाई चले गया, हम भी रोते, रोज शिव मंदिर जाते। आपकी कथा ने मुझे हिम्मत दी है गुरुदेव, मैं तो मर जाती मेरी अपने बेटे के लिए। और रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी के मंदिर पर जाकर रोज धोख लगाती, प्रणाम करती, मेरा बेटा तूने लिया है, मेरे बेटे को अब तू दे। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब मैं मां नहीं बन सकती क्योंकि मेरी उम्र बहुत हो गई थी, पर मुझे क्या मालूम था कि मेरा भोलेनाथ लेता भी है तो देता भी है। मेरे शंकर ने वापिस केवल शंकर के दरवाजे पर जाकर रोती थी, उस शिव से कहती थी मेरा 14 साल का बेटा चले गया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकती, अब क्यों जान, तेरा काम जान। और बाबा ने मुझे वापस मेरा बच्चा दे दिया, मैं बाबा को धन्यवाद दिया। Thank you.
किसी का बच्चा जिंदगी में मोबाइल के चक्कर में ना पड़े। मेरा बेटा 14 साल का चले गया, आज मेरा घर पूरा खाली हो गया। मेरी बेटी ने पहली बार आपकी कथा टीवी पर देखी और मुझसे कहा, मां सियोर वाला महाराज कहता है कि कोई खाली नहीं जाता, तो तू और मैं दोनों शंकर की राखी। और बाबा ने 14 साल का बेटा गया तो बाबा की कृपा से डॉक्टर तो मना कर दिया, पर बाबा ने फिर विचार करिएगा, 21 साल की बेटी हो, 14 साल का बेटा किसी उलझन में पड़ गया मोबाइल के चक्कर में। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, भारत की भूमि के, मेरे देश के इन सपूतों से, इन बेटा बेटियों से निवेदन है, आपके माँ बाप ने आपको मोबाइल पढ़ने के लिए दिया। आपके माँ बाप ने आपको मोबाइल कहाँ हो माता पिता को मालूम पड़ जाए वो सूचना के लिए दिया है। आप अपने माँ बाप को कभी धोखा मत करो, किसी दोस्त के चक्कर में साइबर क्राइम के अंतर्गत कोई मोबाइल से ऐसा गलत काम मत कर देना कि तुम्हारे माँ बाप को भी नीचा देखना पड़े और तुम्हें भी कुछ ना कुछ मालूम पड़े। लोग हमसे कहते महाराज जी आपकी शिवपुराण में कुछ है क्या, आपकी शंकर की कथा में कुछ है क्या, आपकी शिव महापुराण की कथा में क्या है। दुनिया के लोग टीवी पर कथा सुनते, मोबाइल पर कथा सुनते, पंडाल में कथा सुनते, लाखों की भीड़ कथा के अंदर आती है और पत्र उत्ते की उत्ते कभी कम नहीं होते, पत्र की पत्र बढ़ते चले जाते हैं। आखिर शिवपुराण में ऐसा क्या, हम आपसे भी कहेंगे दिल से 7 दिन की शिवपुराण है, अगर दिल से सुन ली दिमाग से नहीं, दिमाग से दुनिया रीझती है, दिल से मेरा महादेव रीझना। दोस्तों के साथ दिमाग लगाइए, परिवार के साथ दिमाग लगाइए, रिश्तेदारों में दिमाग लगाइए, पर शंकर को भजने में दिमाग नहीं दिल लगाइए। मेरे शिव को तुम्हारा दिमाग नहीं चाहिए, मेरे शंकर को तुम्हारा दिल चाहिए। तेरा मेरा सबसे प्यार।
सावधानी दिया, थोड़ा सावधानी होता है, इसलिए
कि उन्हें सो जब ये सो जाती है ना तब मोबाइल को तकिए की नींद ना जाने कौन कौन सा लाभ हम मोबाइल के अंदर भगवान जाने कौन कौन सा लाभ लोग इस लाइफ का लाभ कहीं कोई सा लाभ कहीं कोई सा लाभ कहीं कोई सा लाभ एक पति ने अपने मोबाइल में लॉक लगाया था अपने पांव के मोजे हर हर
शिवकारा भोले भोले शिवकारा।